तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम रूट वर्ड से वोकैब सीख रहे हैं, तो हमने बहुत से रूट वर्ड से वोकैब देख ली है, चाहे सोमना हो चाहे डेप्सो हो। तो ऐसे हमने काफी रूट वर्ड से वोकैब हमने देख चुके हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और रूट वर्ड से वोकैब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है डेमो। देखिए डेमो मीन्स क्या होता है, डेमो मीन्स होता है पीपल, पीपल या फिर ऐसे समझ लीजिए आप इसको भीड़ बोलते हैं हिंदी के अंदर, भीड़। ठीक है, अब देखो पहला जो हमारा बढ़ने वाला वर्ड है डेमो से, डेमो रूट वर्ड से, डेमोफिलिया, डेमोफिलिया है। अब देखिए डेमो मीन्स क्या हो गया, भीड़ हो गया। ठीक है, डेमो मीन्स क्या हो गया, भीड़। और फिलिया मीन्स होता है प्रेम, किसी चीज से प्रेम होना, को हम क्या बोलते हैं फिलिया। तो भीड़ से प्रेम हो गया, डेमोफिलिया मीन्स क्या हो गया, भीड़ से प्रेम, यानी ए फोंडनेस ऑफ, ए फोंडनेस फॉर क्राउड, ए फोंडनेस फॉर क्राउड, यानी भीड़ से प्रेम, भीड़ से प्रेम। यानी जो हमारा पहला रूट वर्ड है ना डेमो, उससे बढ़ने वाला जो हमारा पहला रूट, पहला वर्ड होगा वो कौन सा होगा, डेमोफिलिया। यानी डेमो मीन्स हो गया भीड़ और फिलिया मीन्स हो गया प्रेम, यानी जो भीड़ से प्रेम करे वो कैसा होगा, डेमोफिलिया। अब देखिए डेमो मीन्स क्या हो गया, भीड़ हो गया। और फोबिया मीन्स होता है किसी चीज से भय होना, किसी चीज से डर होने को हम क्या बोलते हैं, फोबिया, यानी भीड़ से भय, यानी हेट्रेड फॉर पीपुल, यानी क्या बोल सकते हैं हम, भीड़ से भय, भीड़ से भय को हम क्या बोलेंगे, डेमो, डेमोफोबिया। अगला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है, डेमोगोगू, डेमोगोजू। तो देखिए डेमोगोजू मीन्स क्या होता है, देखो डेमो, डेमो मीन्स क्या हो गया, डेमो मीन्स हो गया, डेमो मीन्स क्या हो गया, भीड़। ठीक है, और गोजू मीन्स क्या होता है कि अगर हम किसी को अपनी बातों में अगर उसको बहका ले, फुसला ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोजू बोलते हैं। तो जो भीड़ को जो फुसला ले, बहका ले, झूठी बातें कर करके, वो कैसा, वो कैसा प्रश्न होगा, डेमो गोजू होगा। तो ए लीडर हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय फॉल्स क्लेम और प्रोमिस, यानी जो भीड़ को झूठे वादे करके और उसको क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, मना ले। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि झूठे प्रॉमिस करते हैं लोगों से कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो क्या करते हैं, लोगों को क्या कर लेते हैं, फुसला लेते हैं, डेमोगोज कर लेते हैं। तो वो बेटर आंसर होगा इसका। तो अगला जो हमारा डेमो से बनने वाला वर्ड कौन सा था, डेमोगोजू। अगला हमारा वर्ड है वो है डेमोटिक्स। अब देखिए टिक्स लग रहा है इसमें कुछ सब्जेक्ट से, किसी विषय से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेमो मीन्स भीड़, टिक्स यानी विषय, यानी भीड़ों से, जिसके अंदर कौन सी ऐसी सब्जेक्ट जिसके अंदर हम भीड़ों का अध्ययन करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं, तो वो एक समाज शास्त्र। तो डेमोटिक्स मीन्स क्या होता है, समाज शास्त्र, यानी लोगों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र। अब देखिए क्या होता है, द डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द केयर एंड कल्चर ऑफ द पीपल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लोग होते हैं ना उनके, उनके प्रति, उनके केयर और उनके कल्चर का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कल्चर मीन्स क्या होता है, उसकी संस्कृति होती है, कैसी वेशभूषा है, कैसा पहन सहन है, कैसा खान पान है, कैसा पहना हुआ है, वो सब स्टडी हम किसे करते हैं, डेमोटिक्स के अंदर करते हैं। अगला जो हमारे डेमो से बनने वाला वर्ड है वो डेमोग्राफी है। ये वर्ड आई होप कि आप सबने सुना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी एरिया के अंदर रहते हैं वहां की क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या मृत्यु दर है, क्या जन्म दर है, कैसा वो एरिया है, वो सब क्या था, डेमोग्राफी के अंदर आता है। यानी डेमोग्राफी को हम क्या बोल सकते हैं, संख्यायिकी बोल सकते हैं, संख्यायिकी। ठीक है, यानी द स्टडी ऑफ रेसेस एज टू बर्थ, मैरिज, मोर्टलिटी, हेल्थ। अगला जो हमारा वर्ड है वो डेमोक्रेसी है। डेमो से बनने वाला वर्ड हमारा अगला कौन सा है, डेमोक्रेसी। ये तो आप सबको पता होगा, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र होता है। एक्चुअल में लोकतंत्र क्या होता है, रूल ऑफ पीपुल, रूल ऑफ पीपुल को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं डेमो से बनने वाले, डेमोफिलिया देखा है हमने, डेमोफोबिया बना है, डेमोगोजू बना है, डेमोटिक्स बना है, डेमोग्राफी बना है, डेमोक्रेसी बना है। ये सारे वर्ड किससे बने हैं, डेमो से बनने वाले वर्ड है। हमारा वर्ड है वो है ओमनी है। देखिए ओमनी मीन्स क्या होता है, ओमनी मीन्स होता है ऑल, ऑल, ऑल या फिर सभी। ठीक है, अब ओमनी वर्ड्स से कौन कौन से रूट वर्ड्स बनते हैं, यानी ओमनी जो हमारा रूट वर्ड्स है इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा वर्ड बनेगा वो है ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है, देखिए ओमनी मीन्स क्या हो गया, ओमनी मीन्स हो गया ऑल, वोर मीन्स होता है टू ईट, यानी जो सब कुछ खाने वाला होता है वो कैसा होता है, ओमनीवोर होता है, यानी दैट ईट एवरीथिंग, यानी
जो सब कुछ खाने वाला होता है वो कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। तो ओमनीवोर मीन्स क्या होता है, सर्वाहारी। सर्वाहारी मीन्स वन हु ईट एवरीथिंग, यानी जो कुछ वो कुछ भी नहीं छोड़े, सब कुछ खाए, मांस भी खाए, मीट भी खाए, सब्जियां भी खाए, घास भी खाए, फल भी खाए, वो कैसा होता है, ओमनीवोर होता है। तो देखिए हमारा रूट वर्ड क्या है, ओमनी है, ओमनी मीन्स ऑल। तो ओमनी के मीन्स वो है ऑल, वो रहे खाने वाला, यानी सब कुछ खाने वाला, यानी सर्वाहारी। अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो कौन सा है, ओमनी पोटेंट। देखिए ओमनी मीन्स होता है ऑल या फिर सभी, और पोटेंट मीन्स शक्तिमान, यानी जो सबसे शक्तिशाली होता है ना, शक्तिशाली बोल लो इसको, यानी जो सबसे शक्तिशाली होता है ना वो कैसा होता है, ओमनी पोटेंट, यानी वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, यानी जो व्यक्ति सर्वशक्तिशाली होता है ना वो कैसा होता है, ओमनी पोटेंट होता है। तो इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है, ओमनी है, और इस सारे हमने पोटेंट जोड़ दिया, तो कौन सा वर्ड बन गया, ओमनी पोटेंट मीन्स वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है उसको हम बोलते हैं ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। अगला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है, ओमनी प्रेजेंट। देखिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मीन्स सभी या फिर ऑल, जो सभी जगह प्रेजेंट उपस्थित होता है, जो सभी जगह उपस्थित होता है वो कैसा होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी जो सभी जगह उपस्थित होता है वो कैसा होता है, यानी सभी जगह विद्यमान, जो व्यक्ति सभी जगह क्या होता है, उपस्थित होता है, उसको हम कैसे बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट। यानी जो व्यक्ति सभी जगह उपस्थित होता है वो व्यक्ति कैसा होता है, वो ओमनी प्रेजेंट होता है। रूट वर्ड हमारा ओमनी है, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित है, जो सभी जगह उपस्थित है वो कैसा है, ओमनी प्रेजेंट। अब देखिए अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो हर्ब है। कौन सा वर्ड है अगला हमारा रूट वर्ड, वो हर्ब। हर्ब मीन्स देखिए क्या होता है, हर्ब मीन्स होता है वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं जो प्लांट वगैरह खाता हो, घास वगैरह खाता हो, जो प्लांट वगैरह खाता हो वो कैसा होता है, हर्ब होता है। तो हर्ब वर्ड मीन्स खाने वाला, यानी जो प्लांट को खाने वाला होता है वो कैसा होता है, दैट ईट प्लांट्स, जो प्लांट खाने होता वाला होता है वो कैसा होता है, वो शाकाहारी होता है, ठीक है। और ओमनी वोर मीन्स, ओमनी मीन्स सभी, जो सब कुछ खाने वाला होता है वो कैसा होता है, सर्वहारी होता है। वैसे ही अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो कार्नी है। कार्नी मीन्स क्या होता है, फ्लेश, फ्लेश यानी मीट, ठीक है। ओमनी मीन्स क्या होता है, सॉरी कार्नी मीन्स क्या होता है, मीट होता है। कार्नी मीन्स क्या होता है, फ्लेश, फ्लेश यानी मीट। तो देखिए कार्नी मीन्स तो क्या होगा, मीट, ठीक है, मीट। और वो यानी खाने वाला, जो मीट खाने वाला होता है ना, दैट इट फ्लेश, फ्लेश यानी क्या होगा, मीट, फ्लेश यानी क्या है, मीट। यानी जो मीट खाने वाला व्यक्ति होता है ना वो कैसा होता है, मांसाहारी होता है, वो मांसाहारी। मीन्स कार्निवोर मीन्स क्या होता है, मांसाहारी। हर्बीवोर मीन्स क्या होता है, शाकाहारी। अरे तो हमारा रूट वर्ड है वो फ्रग है। फ्रग मीन्स क्या होता है, देखिए फ्रग मीन्स होता है फ्रूट, ठीक है। फ्रूगी मीन्स क्या होगा, फ्रूट हो गया, फ्रूगी मीन्स क्या होगा, फ्रूट। और वोर मीन्स खाने वाला, जो फ्रूट खाने वाला होता है, वन हु ईट फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट खाने वाला होता है वो कैसा होता है, फ्रोगी वोर होता है, ठीक है। अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो ग्रामी, ग्रामीण है। ग्रामीण मीन्स होता है घास, क्या होता है, ग्रास, ग्रास या घास, ठीक है। तो ग्रामीण वोर, वोर वोरस मीन्स खाने वाला, ठीक है। ग्रामीण में घास, दैट ईट ग्रास और सीड ऑफ ग्रास, यानी या तो वो घास वगैरह खाता हो या घास वगैरह के जो बीज होते हैं उसको खाता हो, तो व्यक्ति कैसा होता है, ग्रामीणी वोरस होता है, यानी घास फूस खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, ग्रामीणी वोरस होता है। तो हमने ओमनी, हर्ब, कार्नी, फ्रूट और जर्मनी, ये हमने पांच रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड देखे हैं। हम ओमनी से बनने वाला वर्ड है ओमनी वोर, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स होता है ऑल, वोर मीन्स हो गया सब कुछ खाने वाला, पोटेंट ओमनी के अगर, ओमनी के अगर पीछे हमने पोटेंट लगा दिया, पोटेंट मीन्स शक्तिशाली होता है, तो जो सबसे शक्तिशाली हो गया, पर ओमनी के बाद हमने प्रेजेंट लगा दिया, हमें जो सभी जगहों पर वो कैसा होगा, ओमनी प्रेजेंट होगा। हर्ब है अगला हमारा रूट वर्ड, हर्ब से बनने वाला वर्ड हर्बी वोर है। हर्ब मीन्स होता है जो प्लांट खाता है, जो घास वगैरह खाता है, जो पेड़ पौधों को खाता है, वो कैसा होगा, हर्बी वोर होगा। दैट इज प्लांट मीन्स, अगर वैसे शाकाहारी होगा, कार्नी वोर यानी मांसाहारी होगा, जो फ्लेश खाएगा, फ्लेश मीन्स मीट वगैरह खाएगा। और फ्रूगी वोर होगा, वो क्या होगा, जो फ्रूट वगैरह खाएगा वो कैसा होगा, फ्रूगी वोर होता है, वन वो ईट फ्रूट्स। अगला है ग्रामीण, ग्रामीण वोर्स मीन्स होता है दैट ईट ग्रास और सीड ऑफ ग्रास, जो ग्रास को खाए या ग्रास के बीजों को खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, ग्रामीण वोर्स होता है। तो हमने ये रूट वर्ड से क्या देखिए, कुछ वर्ड्स देखिए फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, रूट वर्ड से हम वोकैब याद करना सीख रहे हैं। तो हमने कुछ रूट वर्ड से वोकैब देख ली है, तो कुछ आगे और रूट वर्ड से देखेंगे, उनसे बनने वाले शब्द देखेंगे। रूट वर्ड से हम वोकैब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रूट वर्ड से वोकैब याद करना बहुत आसान होगा हमारे लिए। और आज भी मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रूट वर्ड्स लेकर आया हूँ, रूट वर्ड्स लेके आया हूँ जिससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। देखिए हमारा जो अगला जो रूट वर्ड है वो डिप्सो है। देखिए डिप्सो मीन्स क्या होता है, डिप्सो मीन्स होता है एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिप्सो वर्ड का यूज करते हैं। यानी स्पेशली जो शराब होती है, लिक्वर होती है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिप्सो। तो इससे बनने वाला वर्ड कौन कौन से, देखिए एक तो डिप्सोमेनिया, डिप्सो मीन्स शराब, शराब समझ लो आप, डिप्सो मीन्स शराब। मेनिया मीन्स क्या होता है, उसको बुखार हो जाता है किसी चीज का, मेरे को मतलब उसको लत लग जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनिया बोलेंगे। तो डिप्सोमेनिया यानी जिसको शराब की लत लग जाए उसको क्या बोलेंगे, डिप्सोमेनिया। यानी इन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक। अनकंट्रोलेबल मीन्स होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। क्रेविंग मीन्स होती है इच्छा, ठीक है, क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, जिसकी एल्कोहलिक ड्रिंक के प्रति अनकंट्रोलेबल क्या होती है, इच्छा होती है, यानी जिसको शराब की लत होती है, हिंदी में इसको बोलेंगे शराब की लत। यानी डिप्सोमेनिया मीन्स क्या होता है, शराब की लत। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, डिप्सोफोबिया। अब देखिए डिप्सो मीन्स हो गया शराब, फोबिया मीन्स होता है डर, भय को हम फोबिया बोलते हैं। तो जिसको शराब का भय होता है उसको क्या बोलेंगे, डिप्सोफोबिया, यानी फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी शराब का, शराब से डर, शराब से डर। यानी जो शराब वगैरह लिक्वर वगैरह होती है उसे जिसको भय लगे, जिसको डर लगे, जो उसके पास भी न जाए, जिसको टच भी नहीं करे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्सोफोबिया। भाई इसको डिप्सो शराब से इसको क्या है, फोबिया। फोबिया मीन्स उसको भय है किस चीज का। तो डिप्सोफोबिया मीन्स हो गया फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगला हमारा जो वर्ड है वो गेमिंग है। गेमिंग मीन्स, गेमिंग किससे रिलेटेड है, मेरी से रिलेटेड है। यानी गेमिंग जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड, मेरी से। यानी मेरी से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको हम बोलेंगे गेमिंग। तो देखिए मोनो, मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, गेमिंग मीन्स मेरिज। यानी जिसकी सिंगल मेरिज होती है ना, यानी जिसको एक ही विवाह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोगेमी। यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोगेमी। यानी एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा, यानी एक विवाह की प्रथा होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोगेमी। बाई गेमी, देखिए बाई से भी हमें पता चलेगा, बाई बाई मीन्स टू हो गया, और गेमी मीन्स विवाह, जिसके दो विवाह होता है ना उसको क्या बोलेंगे, बाई गेमी। यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर, यानी दो विवाह की प्रथा, दो विवाह की प्रथा, दो विवाह की प्रथा को हम क्या बोलेंगे, बाई गेमी बोलेंगे। अगला हमारा जो वर्ड है वो मिजो गेमिस्ट है। मिजो गेमिस्ट, मिजो मीन्स होता है क्या होता है, जो हेट करे, किसी से नफरत करे, ठीक है, और गेमिस्ट मीन्स होगी मैरिज। यानी जो शादी से नफरत करे वो कैसा इंसान होगा, मिजो गेमिस्ट होगा। यानी वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करे, शादी से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाले को हम क्या बोलेंगे, मिजो गेमिस्ट बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है फिलो गेमिस्ट है। फिलो मीन्स होता है जो लव करे किसी से, गेमिस्ट मीन्स शादी, जो शादी से लव करे उसको हम क्या बोलेंगे, फिलो गेमिस्ट। यानी वेन हु लव्स मैरिज, यानी जो शादी से प्रेम करे, शादी से, शादी से प्रेम करने वाला, शादी से प्रेम करने वाला कौन होता है, फिलोगेमिस्ट होता है। अगला हमारा जो वर्ड है वो हाइपोगेमी है। हाइपोगेमी मीन्स होता है मैरिज इन एन इक्वल और हाइंगर कास्ट और सोशल ग्रुप। यानी हाइपोगेमी मीन्स क्या होता है, जो या तो अपने बराबर, जो अपने बराबर या अपने से ऊंचे कास्ट में क्या करे, अपने से सामाजिक उच्च सामाजिक वर्ग में क्या करे, वो शादी करे, उसको क्या बोलेंगे, या अपने से उच्च सामाजिक वर्ग में शादी करना, अपने से उच्च सामाजिक वर्ग में शादी करने को हम क्या बोलेंगे, हाइपोगेमी, ठीक है। तो हमने ये देखा, अभी हमने दो रूट वर्ड्स से देखे वर्ड बनने वाले, डिप्सो, डिप्सो मीन्स होता है एल्कोहलिक ड्रिंक, डिप्सो से बनने वाले वर्ड कौन से, डिप्सोमेनिया है, डिप्सोफोबिया है, और गेमी है, गेमी से बनने वाले वर्ड कौन है, मोनोगेमी है, बाईगेमी, मिजोगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट एंड हाइपोगेमिस्ट। ये सारे वर्ड्स हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकैब याद करना सीख रहे हैं। तो हमने कुछ रूट वर्ड से वोकैब देख ली है, तो चलिए आगे कुछ और वर्ड देखते हैं।
हमारा जो रूट वर्ड है वो है सोमना। देखिए सोमना मीन्स होता है स्लीप, यानी सोमना जो वर्ड है वो स्लीप से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकैब याद करना सीख रहे हैं, तो हमने कुछ रूट वर्ड से वोकैब हमने देख ली है, तो बाकी और वोकैब देखते हैं रूट वर्ड से। तो हमारा जो रूट वर्ड है वो सोमना है। सोमना मीन्स होता है स्लीप, स्लीप मीन्स नींद, तो नींद से संबंधित है। यानी सोमना जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, नींद से। इसलिए सोमना हमारा रूट वर्ड है, इससे हम बाकी वर्ड बनाएंगे, जैसे सोमनी, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनो लेंट, इनसोमिनिया। ये हमारे सारे वर्ड किससे बन रहे हैं, सोमना की रूट वर्ड से बन रहे हैं। तो हमने पता चला कि सोमना जो रूट वर्ड है वो स्लीप से संबंधित है। तो ये सारे वर्ड किससे संबंधित होंगे, स्लीप से ही संबंधित होंगे। यानी सोमनीलोक्विस्ट, तुम्हारा पहला जो वर्ड है वो सोमनीलोक्विस्ट है, मीन्स क्या होता है, सोमनीलोक्विस्ट मीन्स क्या होता है, वन हु टॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में बात करे, जो नींद में बात करे, जो व्यक्ति नींद में बात करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं हम उसको। अगला जो हमारा वर्ड है वो है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट मीन्स होता है वन हु वॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में चलता है, यानी जो व्यक्ति नींद में चलता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट, जो नींद में चलता हो। यानी जो व्यक्ति नींद में चलता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो सोमनोलेंट है। सोमनोलेंट मीन्स होता है ड्राउजी। ड्राउजी मीन्स होता है जो ऊंघना, यानी जो व्यक्ति नींद में ऊंघता है ना उठकर, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनोलेंट बोलेंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है इनसोमिनिया। इनसोमिनिया, इनसोमिनिया मीन्स होता है स्लीपलेसनेस, यानी नींद नहीं आना, नींद नहीं आना। यानी अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, इनसोमिनिया। इनसोमिनिया मीन्स क्या होता है, नींद नहीं आना। अगला जो हमारा देखिए रूट वर्ड है वो केली है। केली मीन्स होता है ब्यूटीफुल। केली मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो इससे तो बनने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, केलीग्राफी है, केलीपीडिया है, केलीफोनी है। अब देखिए केली मीन्स हो गया ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स लिखावट से संबंधित होती है, ठीक है, तो यानी सुंदर लिखावट, यानी द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी सुंदर लिखावट, सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने की, सुंदर लिखने की कला। अगला हमारा जो वर्ड है वो है केलीपीडिया। केलीपीडिया मीन्स होता है द डिजायर टू बियर ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी एक सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा, एक सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे, केलीपीडिया बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है वो केलीफोनिया। देखिए केली यानी ब्यूटीफुल हो गया, फोनी किसे संबंधित, ध्वनि से संबंधित हमें पता है, यानी ब्यूटीफुल ध्वनि, यानी जिसकी मधुर आवाज होती है। तो ब्यूटीफुल और इलिगेंट साउंड मीन्स मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने कुछ रूट वर्ड देखे हैं। रूट वर्ड हमने पहला रूट वर्ड देखा सोमना, सोमना से बनने वाले वर्ड हमने देखे, सोमनीलोक्विस्ट को देखा, सोमनाम्बुलिस्ट देखा, सोमनाओलेंट देखा, इनसोमिनिया देखा। अगला जो हमारा रूट वर्ड था वो केली था। केली से बनने वाले वर्ड था, केली मीन्स होता है ब्यूटीफुल सुंदर, तो केलीग्राफी हो गया, यानी सुंदर लिखावट होगी जिसकी, केलीपीडिया हो गया, केलीफोनी हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो किससे बने हुए हैं, दो रूट वर्ड से बने, सोमना और केली से। तो चलिए कुछ और रूट वर्ड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड से वोकैब याद कर रहे हैं, तो हमने पीछे कुछ वोकैब देख लिए है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और वोकैब्स देखते हैं। तो अगला हमारा जो रूट वर्ड है वो केकू है। केकू मीन्स होता है बैड, इविल, बैड या फिर इविल। बैड इविल मीन्स होता है बुरा, ये कोई बुरी चीज होती है, उसके लिए हम केकू वर्ड का यूज करते हैं। तो इससे बनने वाले शब्द देखें, केकोफेनी होता है एक वर्ड इससे बनने वाला, केकोफेनी। केकोफेनी मीन्स होता है हार्श साउंड। हार्श साउंड मीन्स होता है कर्कश आवाज। कर्कश आवाज मीन्स कठोर आवाज होती है ना, कठोरता से किसी से बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, केकोफेनी बोलेंगे। तो केको, देखिए केको आगे फोनी लगी, फोनी मीन्स क्या होता है, ध्वनि होता है। यानी दो वर्ड से बना लेके मिलके बनाया केकोफोनी। केको मीन्स हो गया हार्श, कठोर या बुरी आवाज, और फोनी मीन्स ध्वनि होता है, यानी बुरी ध्वनि के अंदर किसी से बात करना, बुरी आवाज के अंदर किसी से बात करना, तो मीन्स हो गया हार्श साउंड, तो वो क्या हो गया, केकोफोनी हो गया। अगला हमारा जो वर्ड बन रहा है वो केको प्लस फिनोफिलोफिलिस्ट। फिनोफिलोफिलिस्ट यानी वन हु लव हियरिंग
हार्श साउंड, यानी जो कर्कश आवाज सुनना पसंद करे, कर्कश आवाज सुनना पसंद करे, यानी जो कर्कश आवाज सुनना पसंद करे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे केकोफिनोफिलिस्ट, केकोफिनोफिलिस्ट बोलेंगे हम उसको, वन हु लव हियरिंग हार्श साउंड। अगला हमारा जो वर्ड बनने वाला है केको से वो है केको स्पेक्टेमेनिया। केको स्पेक्टेमेनिया मीन्स होता है द ऑब्सेशन ऑफ स्टेरिंग, स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना, स्टेरिंग एट समथिंग विच इज रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स जो चीज घृणित हो, यानी किसी चीज को, किसी घृणित चीज को घूरना, किसी 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 घृणित चीज को घूरना, किसी चीज की घृणित चीज को घूरने का ऑब्सेशन। अगला जो हमारा वर्ड है वो है केको, केकोग्राफी। देखिए केकोग्राफी मीन्स होता है, देखिए केको मीन्स होगा बैड, बुरा, यानी कुछ बुरी चीज होगी, ग्राफी मीन्स होता है लिखावट, तो यानी किसी बुरी लिखावट से संबंधित है, तो मीन्स होता है ए बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, यानी बुरी लिखावट से हम बोलते हैं, हम अक्सर बोलते हैं यार तेरे तो बहुत ही केकोग्राफी है, मीन्स तेरे तो बहुत बुरी लिखावट है, तो इसका मतलब क्या होगा केकोग्राफी का, बुरी लिखावट मीन्स बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग, यानी बुरी लिखावट। अगला हमारा जो वर्ड है वो केको से बनने वाला वर्ड है वो केकोलॉजी है। देखिए केको मीन्स होगा बुरा या बिकार, लॉजी मीन्स होता है साइंस होता है किसी चीज की अध्ययन करने वाला, यानी वर्ड्स की साइंस होगी, तो ए बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी बुरे शब्दों का चयन, तो केकोलॉजी क्या होता है, बुरे शब्दों के चयन का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, केकोलॉजी बोलते हैं। अगला हमारा केको से बनने वाला वर्ड है वो केको डीमोन होता है। देखिए केको मीन्स तो बुरा ये इविल हो गया, डेमोन मीन्स होता है कोई राक्षस के लिए हम बोलते हैं, बुरी आत्मा के लिए बोलते हैं, डेमोन मीन्स होता है बुरी आत्मा, यानी बैड सोल। देखिए केको मीन्स बैड और डेमोन मीन्स सोल, यानी बुरी आत्मा या फिर दुष्ट आत्मा। अगला हमारा जो केको से बनने वाला वर्ड है वो केको नीम होता है। देखिए काफी अच्छा वर्ड है, केको मीन्स होता है बुरा, नीम मीन्स होता है यानी कोई किसी का नेम होता है, नेम के जो पहले जो वर्ड्स होते हैं उसको नीम बोलते हैं। तो देखिए एन इरोसेस नेम, एन इरोनस नेम मीन्स त्रुटिपूर्ण नेम, यानी किसी का त्रुटिपूर्ण नेम लिखना को हम क्या बोलते हैं, केको नीम बोलेंगे, त्रुटिपूर्ण नाम। तो देखिए फ्रेंड्स ये वो वर्ड्स हैं जो रूट वर्ड है केको, केको से बनने वाले वर्ड हो गए केकोफोनी हो गया, केकोफोनी मीन्स हो गया हार्श साउंड, उसके अलावा हो गया केको फिनोफिलिस्ट हो गया, मीन्स होता है वन हु लव हियरिंग हार्श साउंड, यानी जो कर्कश आवाज सुनना पसंद करे, बुरी आवाज सुनना पसंद करे, जिसको हम ऊंची आवाज में बात करते हैं वो उसको पसंद हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है केकोफिनोफिलिस्ट होता है। केको स्पेक्टेमिनिया मीन्स होता है किसी दुष्ट, किसी घृणित चीज को घूरना, द ऑब्सेशन ऑफ स्टेरिंग एट समथिंग विच इज रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स होता है घृणित, स्टेरिंग एट मीन्स होता है किसी चीज को घूरना। अगला हमारा जो वर्ड है वो केकोग्राफी है, ग्राफी मीन्स होता है लिखावट, ठीक है, और केको मीन्स होती है बुरी, यानी जिसकी बुरी लिखावट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, केकोग्राफी, ए बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग। अगला हमारा केको से बनने वाला वर्ड है केकोलॉजी, मीन्स बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, बुरे शब्दों का चयन। अगला जो हमारा वर्ड है वो केको डी मोन है, बैड सोल दुष्ट आत्मा से संबंधित है। और अगला लास्ट वर्ड है हमारा केको नी, मीन्स होता है एन इरर्स नेम, है त्रुटिपूर्ण नाम। तो ये केको से बनने वाले वर्ड्स हैं, तो कुछ और वर्ड्स देखते हैं चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स मेल रूट वर्ड से बनने वाले हम सब देखते हैं, मेल मीन्स होता है बैडली या बुरी तरह से, तो इससे जो बनने वाले वर्ड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ड है हमारा वो है मेल प्रैक्टिस, मेल प्रैक्टिस मीन्स होता है फेलियर टू एक्सरसाइज वंस ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाना, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मेल प्रैक्टिस का, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड मेल से बनने वाला रूट वर्ड, मेल से बनने वाला वर्ड है वो है मेलफिजेंस, मेलफिजेंस होता है बुरा आचरण, यानी रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट, यानी जो रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट करता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेलफिजेंस। तो ये किससे बना हुआ वर्ड है, ये भी मेल रूट वर्ड से बना हुआ शब्द है। अगला है मेलाफाइड, मेलाफाइड होता है इन्हें बैड फेथ डिसऑर्डर और डिजीज, यानी बुरी तरह से बीमार होना किसी चीज से। देखिए मेला ड्रोइड, देखिए ड्रोइड मीन्स होता है दक्षता या स्किल्स को बोलते हैं, ड्रोइड को, एड्रोइड हम किसको बोलते हैं, दक्षता या स्किल को हम एड्रोइड बोलते हैं, तो मेल हो उसके पहले लग जाएगा, उसमें क्या हो गया,
दक्षता की कमी है उसमें, लैकिंग स्किल है उसके अंदर, तो लैकिंग स्किल्स हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है मेल कंटेंट, यानी वो कंटेंट नहीं, कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना, तो मेल कंटेंट है तो मीन्स नॉट सेटिस्फाइड है वो, तो असंतुष्ट हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है मेल फॉर्म्ड है, मेल फॉर्म्ड होता है अबनॉर्मली फॉर्म्ड, यानी असामान्य रूप से बनना। अगला हमारा वर्ड है मेल नरिश्ड, मेल नरिश्ड मीन्स होता है इनएडिक्युटली नरिश्ड, यानी कुपोषित होना है उसको हम बोलते हैं अबनॉर्मली नरिश्ड। अगला जो हमारा वर्ड है वो मेलाप्रीट है, मेलाप्रीट मीन्स होता है इनप्यूटिटली मील, यानी जिसमें सांस की जिसमें कमी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं मेलाप्रीट बोलते हैं, तो प्रीट मीन्स क्या होता है सांस होता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो मेल ट्रीट है, मेल ट्रीट मीन्स होता है, देखिए ट्रीट मीन्स होता है कि किसी से बर्ताव करना, व्यवहार करना, अगर मेल अगर उसके पहले मीन्स वो इस तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है उसके साथ, तो अगला जो इससे हमारे बनने वाला रूट वर्ड हो गया मेल ट्रीट मीन्स टू ट्रीट क्रूअली, यानी बुरी तरह से बर्ताव करना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मेल जो रूट वर्ड है इससे हमारे ये वर्ड बने हैं मेला, मेल प्रैक्टिस बना है, मेल फिजेंस बना है, मेला फाइट बना है, मेला ड्रोइट बना है, मेल कंटेंट बना है, मेल फॉर्म्ड बना है, मेल नरिश्ड बना है, और मेल मेलाप्रीट और मेल ट्रीट ये सब किससे बने हुए हैं मेल रूट वर्ड से बने हुए। तो आप इसको इस तरह से रूट वर्ड से याद रखोगे तो क्या है याद करने में आपको आसानी हो जाएगी इन सब वर्ड्स को। तो देखिए फ्रेंड्स हम रूट वर्ड से वोकेबली सीख रहे हैं, ये सारी वोकेबली आपको कहाँ काम आएंगी, या तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में वहां पर आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे तो आप आसानी से इनके अर्थ पता कर पाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं स्पेशली एसएससी की अगर बात करूं तो वहां पर वन वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम मैंने वही वर्ड उठाए हैं जो वन वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एग्जाम के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इनको रूट वर्ड से समझते हैं, क्योंकि रूट वर्ड से हम इसलिए समझते हैं क्योंकि कोई भी एब्जॉर्ब्ड जो थिंग्स होती है ना वो हमें हमेशा याद रहती है, तो हम लोग एक रूट वर्ड को पकड़ेंगे और उससे कई वर्ड देख लेंगे तो हमें याद करने में क्या होगी आसानी होगी। तो हमारा जो अगला जो वर्ड है वो लोकुआ है, लोकुआ मीन्स होता है, देखिए लोकुआ मीन्स होता है स्पीच भाषण, यानी स्पीच या भाषण से संबंधित है। तो देखते हैं जो पहला जो हमारा वर्ड है वो है लोक्वेसियस, लोक्वेसियस इसका मीन्स होता है वन वु टॉक टू मच, यानी जो बहुत ज्यादा बात करे, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं इसको बातूनी, बातूनी यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो लोक्वेसियस मीन्स होता है बातूनी। देखिए काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है वन वर्ड, अगर वन वर्ड में आएगा तो कैसे आएगा वन वु टॉक टू मच, द पर्सन वो टॉक टू मच वहां आंसर देंगे लोक्वेसियस, यानी या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको मिल जाए लोक्वेसियस तो उसके बाद क्या होगा बातूनी, यानी वन वो टॉक टू मच यानी जो बहुत ज्यादा बात करे। अगला हमारा जो वर्ड है वो सोलिलोक्वी, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी मीन्स होता है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात कर, जो व्यक्ति अपने आप से बात करे वो कैसा होता है सोलिलोक्वी होता है, यानी अपने आप से स्वयं से बात करना, यानी स्वयं से बात करने वाला। अगला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है सोमनिलोक्विंस, अरे काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया है, बहुत एग्जाम्स के अंदर वर्ड आया हुआ है सोमनिलोक्विंस, सोमनिलोक्विंस मीन्स होता है वन वू टॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में बात करे, जो पर्सन नींद में बात करे उसको हम क्या बोलेंगे सोमनिलोक्विंस बोलेंगे, नींद में बात करने वाला, यानी जो पर्सन है वो नींद में बात करे उसको हम बोलेंगे सोमनिलोक्विस्ट। काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वन वर्ड्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इलोक्यूशन, इलोक्यूशन इलोक्यूशन मीन्स होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी बोलने की कला, जो बोलने की कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं इलोक्यूशन बोलते हैं, यानी बोलने की कला। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी इलोक्यूशन है, यानी उनके पास काफी अच्छी बोलने की कला है, तो वो कैसे हो गए वो इलोक्यूशन पर्सन हो गए, ठीक है। तो इलोक्यूशन मीन्स होता है बोलने की कला। अगला जो हमारा वर्ड है वो मोनोलॉग्यू, मोनोलॉग्यू देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड उठाया है मोनोलॉग्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी एग्जाम्स के अंदर वर्ड आया हुआ है मोनोलॉग्यू, इसका मतलब होता है सोलिलोक्वी, यानी दोनों का सेम अर्थ होता है मोनोलॉग्यू और सोलिलोक्वी का, यानी जो अपने आप से बात करे, लेकिन इसमें क्या होता है एक लॉन्ग स्पीच होती है, जैसे नाटक के अंदर कोई प्रश्न होता है वो एकांत वार्तालाप करता है, अपने आप से बात करता है नाटक के अंदर, तो वो क्या होता है मोनोलॉग्यू होता है, यानी स्वयं से बात करना। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है वोर, वोर मीन्स होता है टू ईट, टू
ईट यानी जो खाना खाते खाने जो खाना खाने वाला होता है उसके लिए हम वोर यूज करते हैं। तो देखिए वोर से बनने वाला जो हमारा पहला वर्ड है वो वोरेसियस है। वोर से बनने वाला वर्ड क्या है? वोरेसियस यानी हुज एपिटाइट। एपिटाइट क्या होती है? भूख होती है। एपिटाइट मीन्स क्या होता है? भूख। जो हमें भूख लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटाइट। यानी जो हुज एपिटाइट यानी जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है ना, यानी अगर सिंपल भाषा में जो भूखड़ जिसको हम बोलते हैं भूखड़ व्यक्ति बोलते हैं ना, यानी जो भूखड़ होता है ना, भूखड़ मीन्स जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी जिसको बहुत ज्यादा एपिटाइट लगती हो, बहुत ज्यादा उसको भूख लगती हो, वो पर्सन कैसा होता है? वो वोरेसियस होता है। काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। देखिए सारे वर्ड मैंने ऐसे उठाए जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो वोरेसियस मीन्स होता है भूखड़ व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी जिसको हुज एपिटाइट लगती हो। द पर्सन हु हैज हुज एपिटाइट यानी जिस व्यक्ति को क्यों बहुत ज्यादा भूख होती है वो कैसा होता है? वोरेसियस होता है। अगर जो हमारा देखिए वोरेसियस के अंदर जो हमारा वोरेसियस के लास्ट में जो ऐड होगी जो वर्ड बनने वाले वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो देखिए। पहला है हर्ब। हर्ब मीन्स होता है प्लांट पेड़ पौधे से संबंधित होता है। प्लांट पेड़ पौधे उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बल बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं उसको। तो हर्ब के अंत में देखिए हर्ब के अंत में हमने वोर लगा दिया यानी हर्बीवोर हो गया। हर्बीवोर मीन्स हो गया जो प्लांट को खाता हो वो कैसा हो गया? हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी जो पर्सन प्लांट को खाता हो हर्बीवोर हो गया। यानी जो पर्सन प्लांट को खाता है वो कैसा होता है? वो शाकाहारी होता है। तो हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी भी होता है। शाकाहारी हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी। शाकाहारी मीन्स द पर्सन वो ईट प्लांट्स यानी जो व्यक्ति पेड़ पौधे खाता हो। यानी जैसे हम आटे की रोटी खाते हैं वो सब हम कैसे हैं? तो हम हो गए हर्बीवोर। यानी जो व्यक्ति प्लांट्स को खाता हो वो कैसा होगा? हर्बीवोर होगा। हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी होगा वो। देखिए अगला वर्ड है वो कार्नी है। कार्नी मीन्स होता है जो फ्लेश वगैरह खाता है। फ्लेश मीन्स होता है मीट। जो मीट खाता है वो कैसा होगा? वो कार्निवोर होगा। कार्निवोर मीन्स मांसाहारी होगा वो। मांसाहारी यानी जो पर्सन फ्लीस खाता है दैट ईट फ्लीस यानी जो पर्सन फ्लीस खाता है फ्लीस यानी हो गया मीट। जो पर्सन मीट खाता है वो कैसा हो गया? कार्निवोर हो गया। वो पर्सन कैसा हो गया? मांसाहारी हो गया। ऐसे ओमनी ओमनी मीन्स होता है देखिए आल। ओमनी आल कर देता है। ओमनी इससे ओमनी से बनने वाला वर्ड हो गया ओमनीवोर। यानी मैंने ओमनी लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया। हर्बी लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया। कार्नी लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया। यानी वोर से सारे वर्ड क्या है? बन रहे हैं। तो रूट वर्ड हमारे क्या है? वोर। वोर मीन्स होता है खाना यानी खाने से रिलेटेड है। तो ओमनी और यानी सभी वोर मीन्स होगा खाने वाला। यानी सब कुछ खाए वो कैसा होता है? ओमनीवोर होता है। सर्वाहारी होता है वो। सर्वहारी उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। दैट पर्सन ईट एवरीथिंग जो सब कुछ खाए यानी जो प्लांट भी खाए जो मांस भी खाए वो पर्सन कैसा होगा? ओमनीवोर होगा। ओमनी मीन्स होता है ऑल। वोर मीन्स खाने वाला यानी जो सब कुछ खाने वाला कैसा हो गया? ओमनीवोर हो गया। सर्वाहारी हो गया वो। सर्वाहारी। देखिए अगला वर्ड है हमारा ग्रामी। ग्रामी मीन्स होता है ग्रास। ग्रास मीन्स घास। इसको बोलू घास यानी जो घास खाने वाला होता है ना वो कैसा होता है? ग्रामनीवोरस होता है वो। ठीक है घास खाने वाला। द पर्सन वो ईट ग्रास वो क्या होता है? ग्रामनीवोरस होता है वो। अगला जो हमारा वर्ड है वो फ्रग है। फ्रग मीन्स होता है फ्रूट। फ्रूट यानी फल। यानी जो पर्सन फ्रूट वगैरह खाता है वन वो ईट फ्रूट यानी जो पर्सन फ्रूट खाता है वो कैसा होता है? फ्रूगीवोर होता है। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको आप याद रखिएगा। ये जो वोकैब है ये आपको डायरेक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। वन वर्ड के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग्स के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा रूट वर्ड है वो ईगो है। ईगो ईगो की वो बात ईगो मीन्स होता है सेल्फिश यानी जो स्वार्थी होता है उसको उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? ईगो से वर्ड का यूज करते हैं। जो ईगो पर्सन जो ईगो वाला जो पर्सन होता है वो घमंडी होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फिश होता है। तो बेसिकली हमारा रूट वर्ड है वो ईगो। ईगो मीन्स सेल्फिश हो गया स्वार्थी हो गया। तो इससे बनने वाले वर्ड देखते हैं। पहला है ईगो इगोइस्ट। पहला जो वर्ड है हमारा वो इगोइस्ट है। जो बनने वाला वर्ड है हमारा पहला इगोइस्ट यानी इसका मतलब हो गया कंसर्न्ड विद आई। आई मीन्स जो अपने से ही जो मतलब रखे वो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इगोइस्ट। अगर हिंदी में कहूं तो स्वार्थी। हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वार्थी यानी
कंसर्न विद आई, आई मीन्स जो अपने से ही मतलब रखे, उसको दूसरे से कुछ मतलब नहीं हो, वो प्रश्न कैसा होगा, वो इगोइस्ट होगा। तो इगोइस्ट मीन्स हो गया स्वार्थी प्रश्न हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है वो इगोटिस्ट होता है। इगोटिस्ट मीन्स होता है वन हू लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। अच्छा कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपने बारे में ही अगर बात करे, वन हू लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, यानी कोई पर्सन है, यानी वन है, वो वन सेल्फ यानी अपने बारे में ही अगर बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डीगे मार रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीगे मारना, बड़ाई करना, डीगे मारना, बड़ाई करना अपनी। तो वो क्या कर रहा है, डीगे मार रहा है, अपनी खुद की बड़ाई कर रहा है, तो इगोटिस्ट हो गया। देखिए दोनों वर्ड क्या है, दोनों एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव है। अगला हमारा जो वर्ड है वो इगोसेंट्रिक है। इगोसेंट्रिक कौन होता है, वन वू लिमिट वन सेल्फ टू वन्स नीड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने को अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रखे, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, इगोसेंट्रिक, यानी अपने बारे में सोचने वाला, केवल अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इगोसेंट्रिक होता है, केवल अपने बारे में सोचने वाला, यानी जो पर्सन है केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, वो पर्सन कैसा होता है, इगोसेंट्रिक होता है। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो किससे बन रहा है, इगो से बन रहा है, इगोसेंट्रिक, इगोटिस्ट, इगोइस्ट, ठीक है, इगोइस्ट हो गया। कंसर्न विद आई, यानी जो सिर्फ अपने से मतलब रखे, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है। इगोटिस्ट होता है वन हू लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो अपने बारे में बात करना जिसको पसंद हो, यानी वो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करे, डीगे मारे, वो पर्सन कैसा होता है, इगोटिस्ट होता है वो। अगर जो हमारा इगो से बनने वाला वर्ड है वो इगोसेंट्रिक है। इगोसेंट्रिक मीन्स वन हू लिमिट वन सेल्फ टू वन्स नीड, यानी जो अपने को अपनी आवश्यकता तक ही सीमित रखे, वो पर्सन कैसा होगा, वो इगोसेंट्रिक होगा। अगला वर्ड है इगोमेनिया। इगोमेनिया मीन्स होता है एक्सट्रीमली सेल्फिश, यानी जो अत्यंत स्वार्थी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इगोमेनिया, यानी जो पर्सन होता है वो अत्यंत स्वार्थी हो, वो पर्सन कैसा होगा, इगोमेनिया।